प्रभावशाली व्यक्तित्व, प्रखर चिंतक, महान समाज सुधारक, छुआछूत व अंधविश्वास के प्रति अलग जगाने वाले पेरियार ललई सिंह जी का जन्म 1 सितंबर यानी कि आज ही के दिन सन 1911 को कानपुर जिले के झिंझक स्टेशन के पास ग्राम कठार में एक किसान के परिवार में हुआ। बालक ललई सिंह जी का विद्यालय में दाखिला दिलाने की घर पर तैयारी चल रही है। उनके पिता चौधरी गज्जू सिंह अपनी पत्नी बुला देवी से कहते हैं, होती है क्या? देखो पंडित, ज्ञान और सम्मान के सब भूखे होते हैं, लेकिन तुम्हारे आगे किसी को अवसर मिले तब ना। आ भाई, अब तो जमाना बदल गया है चौधरी, वरना एक जमाना था जब चौधरी गज्जू सिंह के खानदान में शिक्षा किसी को नसीब ना होती। एक समय था चौधरी, जब तुम लोग हम लोगों के सामने कमर में झाड़ू और गली में हड़िया पहन के टहला करते थे, लेकिन अब तो जमाना बदल गया है चौधरी। पंडित, ये सारे नियम कानून तुम्हारे ही बनाए हैं, बाकी जात तो पशु पक्षियों की होती है, इंसान की नहीं। और ये जो तुम बदलाव की बात कर रहे हो ना, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, ये जान लो। अरे राम 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 चौधरी, क्या करोगे लड़के पढ़ा लिखा के? देखो भाई, नौकरी तो मिलने वाली नहीं है, इसको किसी काम धंधे में लगाओ, 4 पैसे कमाएगा। तो तुम क्या चाहते हो, सारी मलाई तुम ही पेल जाओ, बाकी सब छूछे रहे? समय की बलिहारी है चौधरी, तुम्हारी जबान में इतनी धारणा होती। देखो पंडित, हम है अखंड मिजाज, ज्यादा हम सुबह सुबह तुमसे बहस नहीं करना चाहते। हमें हमारे बच्चे के दाखिला कराने के लिए स्कूल के लिए देर हो रही है, जा रहा हूँ तुमसे मैं मिल लूंगा। जाओ जाओ, पढ़ा लिखा कब बना दो परिवर्तन, हम परिवर्तन हम देगा सारे पढ़ाइया का पहला सुनाओ। चार एकदम चार, चार दुनिया आठ,
है ठीक है, बैठ जाओ बैठ जाओ। गंगू जी। अरे ओ बात याद करके लाए। हाँ। सुनाओ जरा। हमारा भारत देश एक भव्य और गौरवशाली देश है, जहाँ हर जाति और धर्म के लोग रहते हैं। इसे हिंदुस्तान भी कहा जाता है। शाबाश। यहाँ पर जाति विहीन समाज की स्थापना की गई है। नमस्कार मास्टर साहब। नमस्ते, बैठ जाओ बेटा। नमस्ते नमस्ते बैठिए चौधरी साहब। बेटा नमस्ते करो मास्टर साहब को। नमस्ते 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 बेटा। लगता है बेटे का दाखिला कराने लाए हो। जी बहुत बहुत अच्छी बात है। क्या नाम है बेटे का? ललई सिंह यादव। जन्म तिथि 1 सितंबर 1911। जाति अहीर। ठीक है, बेटों को यहीं छोड़ दीजिए और कल से इसको पार्टी बुद्धि का बस्ता सब लेकर के भेजिएगा। ठीक है ठीक है। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। जाओ बेटा बैठो बेटा बैठो। देखो हम अभी आते हैं, ठीक है? तब तक तुम लोग अपना अपना पाठ याद करो। ठीक। दूर हट के बैठो, हमारे कन्हैया को अपने पास नहीं बैठने देंगे। ऐसा क्यों बोल रहे हो भाई? मैं तो बोलूंगा, क्या कर लोगे? पहले इंसान मरना सीखो, फिर इंसान बन जाओगे, तब तेरे देश का नाम सोने के अक्षरों से लिखा जाएगा। ये तो बड़ा अच्छा भाषण दे रहा है। अब की बार भाषण प्रतियोगिता में मास्टर जी से कहेंगे कि इसी से बात कर दूंगा। मैं यहाँ कोई भाषण नहीं दे रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ। मैंने कहा ना तू बैठो। मैं तो ही बैठूंगा। मैंने कहा ना तू बैठो उधर। मैं तो ही बैठूंगा। निकल दूर बैठो उधर। जरा सा हटे नहीं तुम लोग, बस लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिए। क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? मुझे लड़ाई ने मारा है। क्यों लड़ाई, क्यों मारा तुमने इसे? मास्टर साहब ने आई गांडिया बोल रहा था और गांडिया दे रहा था। अरे तो बेटा तुम्हारी तो जाति वही है, इसमें बुरा मानने की क्या बात है? मुझे नहीं करनी आगे फोटो। बैठ जाओ। ऐसे थोड़ी ना होता है। अरे मैं तो बोला तो मैं भी पंडित से नहीं बोलूंगा। नहीं नहीं अगर तुम स्कूल में ये सब करोगे तो तुम्हारी पढ़ाई कैसे होगी?
भी बोलूंगा। फिर मास्टर जी ने बोला ऐसा नहीं करते, बड़ों का सम्मान करना चाहिए। सही तो कहा मास्टर ने, वैसे हम चौधरी को बोल देंगे। मेरा लल्ला बहुत थक गया होगा ना स्कूल से। चलो तुम भीतर चलो, हमारा खाना तैयार कर दो। छुआछूत और ऊंच नीच का भेदभाव आज नया नहीं है। बात उस समय की है जब छुआछूत अपनी चरम सीमा पर था। किसी अछूत के यहाँ बच्चे का जन्म होने पर तमाम तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ता। ऐसे में कोई ना कोई हमदर्द तो जरूर मिल जाता, और वो हमदर्द कोई और नहीं चौधरी गज्जू सिंह होते, जो अछूतों की ढाल बनकर उनका संरक्षण करते। एक बार की बात है, अछूत के यहाँ बच्चे का जन्म होने वाला है, लेकिन सवर्णों की मानसिकता भी वही है कि अछूत के बच्चे का जन्म गांव से बाहर हो। आइए देखते हैं। चौधरी साहब, चौधरी साहब, चौधरी साहब, चौधरी साहब। अरे रुक जाओ भाई। क्या बात है? बचा बचा लो चौधरी साहब, बचा लो, बचा लो। अरे क्या हो गया, क्यों इतना शोर मचा रहा है, क्या परेशानी है? परेशानी की बात है चौधरी साहब, आप तो जान ही रहे हो चौधरी साहब कि इस गांव में ठाकुर और बाबू ने कृपा दिला रखी कि किसी अछूत की नाल नहीं गिर सकती। मेरे घर आई है, उसको अचानक प्रसव पीड़ा होने लगी, उसको बच्चा होने वाला है। अगर ठाकुरों और बाबलों को पता चल गया तो मेरे पूरे परिवार को पीट पीट कर मार डालेंगे। ये तो बड़ा जुर्म हो रहा है जी।